हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फायर बर्ड। टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। द लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन एट वन एंड एंड एनस टू अदर एंड। एक लंबी ट्यूब लाइक ऑर्गन जो एक एंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन से और दूसरे एंड पे एनस से कनेक्टेड होती है, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है और शॉर्टर होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, या लगभग 1.5 मीटर की लेंथ में होती है। चलिए अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फोर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट होते हैं। नंबर वन सीकम, नंबर टू कोलोन, नंबर थ्री रेक्टम एंड आ नंबर फोर एनल कैनाल। तो चलिए अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीकम। द इंटरनल वॉल ऑफ सीकम इज़ कम्पोज ऑफ थिक म्यूकस मेम्ब्रेन। जो सीकम की इंटरनल वॉल होती है वो थिक म्यूकस मेम्ब्रेन से कम्पोज होती है, थ्रू विच वाटर एंड साल्ट्स एब्जॉर्ब, जिसके ज़रिए पानी और साल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम देखते हैं कोलोन क्या होता है। द कोलोन इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। द कोलोन रिमूव्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम पार्शली डाइजेस्टेड फूड। द रिमेनिंग मटेरियल सॉलिड वेस्ट कॉल्ड स्टूल मूव्स थ्रू द कोलोन, इज स्टोर्ड इन अ रेक्टम एंड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस। कोलोन का काम ये होता है कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड में ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करता है और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको हम स्टूल कहते हैं। स्टूल हमारे कोलोन में रहता है, फिर स्टूल रेक्टम में पहुंच जाता है और एनस के जरिए हमारे बॉडी से निकल जाता है। द कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कोलोन इज़ डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शन। कोलोन को चार सेक्शन में डिवाइड किया गया है। चलिए अब हम एक एक सेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असेंडिंग पार्ट क्या होता है। टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड। असेंडिंग कोलोन में वाटर और जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ट्रांसवर्स प्ले एसेंशियल रोल इन एक्सक्रीशन। ट्रांसवर्स एक्सक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे लंबा होता है और मोस्ट मोबाइल पार्ट, और सबसे ज़्यादा मोबाइल पार्ट होता है। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यूज फॉर स्टोर फिशेस। डिसेंडिंग में फिशेस स्टोर होते हैं। एंड देन इज सेगमॉइड, टू स्टोर फीकल वेस्टेस अंटिल दे आर रेडी टू लीव फ्रॉम बॉडी। सेगमॉइड में फीकल मैटर तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि वे हमारे बॉडी से रिमूव नहीं हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रेक्टम। द रेक्टम इज स्ट्रेट। रेक्टम एक स्ट्रेट 8 इंच का चैम्बर होता है। दैट चैम्बर कनेक्ट द कोलोन टू एनस, और ये चैम्बर कोलोन को एनस से कनेक्ट किए होता है। द रेक्टम जॉब इज टू रिसीव स्टूल फ्रॉम द कोलोन। रेक्टम का काम ये होता है कि वो स्टूल को रिसीव करता है कोलोन से। अब हम देखते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। द अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अटैच टू लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इट मीन्स यह एक वेस्ट ऑर्गन की तरह हमारी बॉडी में पड़ा होता है और जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। द इंफ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडियासिस। और जब अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम अपेंडियासिस के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल के जैसे होता है। ज़रूरत पड़ने पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने से हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है।
अब हम देखते हैं एनस क्या होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है। द एनस कंसिस्ट्स ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, एनस के पास पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। एंड टू एनल स्प्रिंटर, और दो एनल स्प्रिंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल स्प्रिंटर आर वॉलेंट्री, जो इंटरनल स्प्रिंटर होता है वो वॉलेंट्री होता है। एंड एक्सटर्नल स्प्रिंटर आर इनवॉलेंट्री, लेकिन जो एक्सटर्नल स्प्रिंटर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। टुगेदर देयर जॉब्स आर टू डिटेक्ट रेक्टल कंटेंट वेदर दे आर लिक्विड गैस और सॉलिड। इनका काम ये होता है कि ये एक साथ बॉडी से रेक्टल मेटल्स को निकालते हैं, चाहे वे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड में हो या फिर गैसेस में हो। सो गाइस, आज हमने अपने इस पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे डिस्क्रिप्शन को समझ लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।